किसान साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ग्वार की उन्नत खेती के बारे में बाराणी कृषि के जानकार श्री ओंकार सिंह जी चारण से ग्वार की खेती के लिए खेत की तैयारी, उन्नत किस्मों, बीज की मात्रा, बीजोपचार, हाइब्रिड बीज के फायदों, उत्पादन वे रोग प्रबंधन आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ग्वार की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। नमस्कार किसान भाइयों, ग्वार की खेती के लिए सबसे पहले तो अच्छी तरह से कल्टी चलाएं खेतों में। हाँ, पहले सूट कर ले, चार जंकार साफ कर ले, गहरी निकलवाए तई, जिसको कल्टी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में आप जो हल है उसे हल से इसकी बुआई करें। बुआई के लिए उन्नत बीज लेकर आए और जैसे 2020 है इसका शक्तिवर्धक कंपनी का या आपके उसका जेनिथ कंपनी का लीडर है। अच्छा, या जो भी उन्नत बीज है, क्योंकि हम घर का बीज यूज़ करते हैं तो घर के बीज में क्या आधा शत खारिज होता है। अच्छा, तो जर्मिनेशन पूरा 100% नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके अंदर आपके 80-90% जर्मिनेशन हो जाएगा। शक्तिवर्धक का है ये 2020 है, अच्छा है, हमारे उपयोग लिया हुआ है और इसमें गुच्छे बहुत आते हैं, फलियों में गुच्छे और पकाव में बढ़िया है। और जो रिस्ट कहते हैं, जिसको फंगस कहते हैं रिस्ट, उसके खिलाफ भी इसमें प्रतिरोधक क्षमता है तो वो कम लगता। अच्छा, तो रेतीली मिट्टी में ये जो शक्तिवर्धक कंपनी का बीज है, ये शक्तिवर्धक का बढ़िया है। 2020 इसका रिजल्ट अच्छा है। उत्पादन कितना हो जाता है? उत्पादन आपके बीघे के अंदर आपके अगर सही बोया हुआ है तो आपके बीघे के अंदर कम से कम 6-7 मण आराम से हो जाता है। कम से कम, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, 2-2.5 से 3 क्विंटल। बिल्कुल 2.5 से 3 क्विंटल हो जाता है। अच्छा, तो ग्वार की खेती के लिए खेत कैसे तैयार करना चाहिए? खेत तो तैयार करने के लिए तो सबसे पहले तो अगर गर्मी के सीजन में कर लो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि उससे क्या स्टेरलाइज होता। अच्छा, कीटाणु रोधी हो जाता खेत में, कोई दीमक है कोई और कोई कीटाणु तो मर जाता गर्मी से। अच्छा, अगर नहीं कर सकते उससे तो आप जब बारिश होती है तो पहले कल्टी चला दो। कल्टी चलाने के बाद में ये हेरा का भी उपयोग कर सकते हैं, हेरा का नहीं तो हल सेडल से बीज दो आप। बीघे के अंदर कम से कम 3 किलो तो कम से कम बीघे के अंदर आप वो हो। अच्छा, 3 किलो प्रति बीघा। हाँ, ताकि वो उसमें सघनता रहे, वो मतलब छिदा नहीं रहे, जिसको कहते हैं ना वो दूर दूर नहीं हो। हाँ, तो बाजरा के अंदर तो दूर दूर होता है अच्छा है, लेकिन जब इसको मैंने मारवाड़ में कहता कोल्डू फसल, तो कोल्डू फसल मतलब ऐसा होना चाहिए उसमें सांप ही पार नहीं हो। अच्छा, ऐसी होनी चाहिए। तो बीज की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। हाँ, 3 किलो तो कम से कम रखनी चाहिए। 3 अच्छा, से ज़्यादा, क्यों कुछ देखो जल भी जाता है, कुछ गर्मी नहीं, गर्मी से बारिश नहीं और तो कुछ अंदर भी नष्ट हो जाता है, कुछ पौधे भी जल जाते हैं और जड़ गलन भी होता है, गलन भी रोग होता है, तो ये करना चाहिए। अच्छा, और जैसे खेत की तैयारी में जैसे खाद के बारे में बताएं। खाद के बारे में सबसे बेहतर तो गोबर का खाद है। अच्छा, गोबर के अंदर भी आप गाय का गोबर सबसे बढ़िया है, सल्फर होता है उसमें। अच्छा, तो ग्रीन रखने में सल्फर होता है, पोटाश होता है, उसमें फॉस्फोरस भी होता है। तो अगर आपने गोबर का खाद डाल दिया है तब तो आपको डीएपी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, नाइट्रोजन अच्छा, भी अच्छा, होता है उसमें। हाँ, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं और सारे मिनरल्स होते हैं। तो अच्छा, गोबर का खाद सबसे बढ़िया है। अगर गाय का नहीं हो तो बकरी का, भैंस का, ये भेड़ का, सारे खाद जो बढ़िया होता है उसे आपके जैविक खेती होगी। अच्छा, रासायनिक खाद, मान लो गोबर खाद उपलब्ध ना हो डीएपी वगैरह। हाँ, तो गोबर खाद नहीं हो तो डीएपी वगैरह डाल सकते हो। इसके अलावा जो सागरिका का आता है, एक वो मिनरल्स आता है सागरिका। अच्छा, का ग्रेनुल्स वो अच्छा, भी अच्छा होता है, वो समुद्री शैवाल से बना हुआ। अच्छा, आप चाहो तो वो बीज के साथ वो डाल दो। अच्छा, धीरे धीरे जैसे बारिश होगी वो गलता जाएगा और फसल पोषक तत्व जड़ों के माध्यम से खींचती जाएगी। तो सर, एक अभी जैसे तुलसी गुवार चल रहा है, इसकी क्या रिपोर्ट है? तुलसी गुवार भी ठीक है, अपने नागौर जिले में इधर जो रेतीली भूमि है उसमें तुलसी का भी अच्छा रिजल्ट तो ठीक है। अच्छा, अच्छा, उत्पादन कितना हो जाता है इसका? उत्पादन उसका भी ये इसके लगभग ही होता है, करीबन अच्छा अगर हो तो 2-2.5 क्विंटल 3 क्विंटल तक हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो अपन थैली वाला बीज लेते हैं तो इसकी खासियत क्या आती है? इसकी खासियत यह है कि एक तो ये उपचारित होता है। अच्छा, तो उपचारित होता तो आपको उपचारित करने की ज़रूरत नहीं है। उपचारित बीज क्या काम करता है? उपचारित बीज ये है कि आपको कम से कम 55 दिन तक वो कीड़े से या किसी फंगस से, कीटों से बचाता। अच्छा अच्छा, रोग नहीं लगने देता बीज को। अच्छा, जड़ गलन नहीं होता है होने के बाद भी। अच्छा, जैसे अंकुरण हो जाए उसके बाद में उसका प्रोटेक्शन करता है। अच्छा, जड़ गलन भी फंगस से होती है। अच्छा, अगर कोई भी मतलब घर का बीज काम में ले तो कैसे उपचारित करें? उसको उपचारित कर लें, बाकी थैली का बीज बढ़िया होता है। अच्छा, उसमें अंदर क्या बीज के अंदर एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो उसमें जैसे रिस्ट है
ये चकता वगैरह पत्तियों पर, पत्तियाँ पीली पड़ जाना, जड़गलन हो जाना, जड़ का काला पड़ जाना और वो अच्छा। पटवार रुक जाती है कुमार की, तो थैली वाला बीज अपनाओगे तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें पहले से विकसित की हुई थी बीज में। अच्छा। उन्नत जो बीज होता, अगर आपकी कोई मजबूरी है, घर का बीज आपके सस्ता पड़ता है या अगर उपयोग में लेना चाहते हो तो उसको उपचारित जरूर करें। कैसे करें उपचारित? उसमें बाउस्टिन से कर सकते हो, कार्बेंडाजिम से, थायफेनाइट मिथाइल से। अच्छा अच्छा, ये कर सकते हो आप। तो वो दवा मतलब कितने कैसे मिलानी चाहिए? मैन को जेब से कितनी दवा मिलानी चाहिए? कम से कम 5 किलो में आप 50 ग्राम 40 ग्राम मिलाकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, उसको मसले सूखे को या गीले दाने पर। हाँ, सूखा का पाउडर सूखा ही आता है, सूखे को यूज करना है। हाँ, और गीली करो तो भी कोई बात नहीं। गीला जैसे कार्बेंडाजिम को या और कई लिक्विड भी आते हैं, फंजीसाइड आते हैं, तो वो लिक्विड को कर दो और फिर उसको थोड़ा सा फर्रा कर ले, आप सूखा ना थोड़ा हल्का सा और तुरंत बुआई कर दे। अच्छा, बाद में जो हरे तेले की समस्या आती है इसमें, तो उसको मिटाने के लिए कौन सी दवा का यूज़ करते हैं? मच्छर वगैरह के लिए रोगोर है या और कोई है? बहुत सारे मार्केट में इसकी तो खूब दवाई है। अच्छा अच्छा, स्प्रे वगैरह उस टाइम कर सकते हो, लेकिन स्प्रे तभी करें जब बारिश हुई हुई हो तो। अच्छा, क्योंकि अगर सूखे में करोगे तो फिर फसल जल जाएगी, क्योंकि कोई भी रासायनिक आप डालोगे तो वो गर्मी करती, हीट पैदा करती। अच्छा, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।